वो कहता था जरदारी चोर है, जरदारी कहता था शहबाज शरीफ चोर है, अब दोनों इकट्ठे है कि नहीं है? इन्हों के आप स्पीचेस देख ले पिछले, सड़कों पे घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अभी एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब क्या करते हैं? मैं इधर शॉप है मेरी। शॉप है, कैसा जा रहा है बिजनेस? शुक्र है अल्लाह का, अच्छा जा रहा है। मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा बजट पेश किया गया है पंजाब का, इस हवाले से क्या कहेंगे, आवाम को रिलीफ मिला? कुछ रिलीफ नहीं मिला, क्या मिला है, महंगाई मिली है सबको, हर चीज़ के रेट एक दो दुगने हो गए हैं, हर किसी को नज़र आ रहा है हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, तो रिलीफ तो इसमें नहीं नज़र आ रही है। आपको लगता है कि जो आजकल हमारे हुक्मरान हैं उन्होंने महंगाई मार्च का नाम लेके सीटों से डीसी किया इमरान खान साहब को, पीटीआई को, तो अब उनको जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, महंगाई क्यों नहीं ख़त्म हो रही? इमरान खान तो बेचारा कितनी बार निकला, उसके साथ आवाम भी निकली है, इनको नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान की तो कोशिश है कि आप देखो जो इस्लामाबाद में मार्च कर रहा था, इन्होंने कितनी रुकावटें बीच में कंटेनर लगा दिए, तो रास्ते बंद कर दिए कि ये कामयाब ना हो जाए। पूरी दुनिया ने देखा उनके साथ कितना जुल्म हुआ, इमरान खान के साथ रास्ते बंद किए थे, वो तो हक के लिए निकला था ना कि आवाम पे महंगाई क्यों है, तो इसीलिए वो ये नहीं छोड़ रहे। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उनका ये कहना है कि अगर शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने सवाल किया है कि अगर शहबाज शरीफ साहब में सलाहियत नहीं थी तो उन्होंने साजिश के तहत हुकूमत क्यों गिराई, क्या जवाब होगा आपके ख्याल में इस सवाल का इमरान खान साहब? इमरान खान ये शहबाज शरीफ देखो जो भी चीज़ महंगी करते तो वो बोल लेता है कि ये पिछली हुकूमत का किरदार है, पिछली हुकूमत का किरदार है। इमरान खान ने बोला है जब आपको पता था कि ये कह रहे कि हमें पता था ये चीज़ें महंगी होनी, ये चीज़ें महंगी होनी है, जब इनको पता था कि ये चीज़ें महंगी होनी है ऐसी होनी है, तो फिर इन्होंने इमरान खान को क्यों हटाया? बात तो इधर है ना, इन्होंने हटाया क्यों, मकसद क्या था? वो तो रूस से तेल लेने जा रहा था, गंदम लेने जा रहा था, बस वो पीछे से अमरीका का जोर पड़ गया तो हट गया, अचानक ही हो गया सब। आपको लगता है नहीं हटाना चाहिए? जाहिरी बात है सब कुछ सही, स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, अच्छा जा रहा था, पाकिस्तान की इज्जत बन गई थी, पाकिस्तान वापस सही जा रहा था, बस इन्होंने बीच में। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने इत्तेहाद करके इमरान खान की जो जो हुकूमत है उसको ख़त्म किया है, क्या अपने केसेस को ख़त्म करना मकसद था? जाहिरी बात है ये तो इमरान खान ने पहले ही कहा था, वो 2015 में 13 में कहा था कि ये सब इकट्ठे होंगे और ये हो गए हैं, जो उसने कहा था वो सच हो रहा है, तो वो कहता था जरदारी चोर है, जरदारी कहता था शहबाज शरीफ चोर है, अब दोनों इकट्ठे है कि नहीं है? इन्हों के आप स्पीचेस देख ले पिछले, सड़कों पे घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अभी एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, तो ये जाहिरी बात है अपने केसेस ख़त्म करने के लिए ये आए। क्या लगता है कि कितनी देर तक पीडीएम का इत्तेहाद कायम है? मैं तो कहता हूँ छोड़ ही दे, साल रह गया इलेक्शन में, इमरान खान साहब अभी ना धरना दे, कुछ भी आराम से बैठे, क्योंकि ये जलील हो रहे हैं और होने दो, और जलील होंगे, हाँ फिर इनकी इज्जत इमरान खान की और बढ़ जाएगी, तो फिर 60 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया गया, इस हवाले से क्या? अभी शुक्र करो 60 महंगा किया, अभी 30-50 और महंगा होना है। आवाम को इस कदर उम्मीदें हैं कि उनको लग रहा है कि शुक्र है अभी 60 रुपए ही ज्यादा किया है, अभी तो मजीद महंगाई होनी है। इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहेंगे, मैसेज क्या? इमरान खान हमारा प्यारा है, इमरान खान के लिए हम जान भी दे सकते हैं, बस वो ऑर्डर करें खाली, एहतजाज करेंगे, जाहिरी बात है हम हर बार करते हैं, लबल्टी भी गए थे, इस्लामाबाद भी जाने की कोशिश की थी, रास्ते बंद थे, बस जब कॉल करेंगे हम निकलेंगे उनके साथ। तो आवाम जो है इमरान खान की एक कॉल की मंतजर है, जैसे ही कॉल की जाएगी, जहां बुलाया जाएगा वो ज़रूर जाएंगे।